तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VKS मैथ टिक्स पर। तो देखिए गाइस, आज की हमने वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के NCERT वो कक्षा 12 गणित के प्रश्न 2 के कुछ पार्ट्स लिए हैं आज की वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्न 1 के सभी पार्टों को हल करके दिखलाया था। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 2 है हमारा कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी जो प्रश्न पार्ट है प्रश्न 2 के, उनको हमें क्या करना है, हल करना है और वहां से मान ज्ञात करना है। तो पहला पार्ट है हमारा, दो आव्यूह दिए हैं, आव्यूह का जोड़ है, दोनों आव्यूह को जोड़कर हमें बतलाना है क्या आंसर आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना होता है दो आव्यूह को जोड़ने के लिए? सबसे पहले हमें देखना होता है कि इनका ऑर्डर जो क्रम है वो सेम होना चाहिए, यानी दो रो हैं तो दो ही रो इसमें होने चाहिए, दो कॉलम इसमें तो दो ही कॉलम, यानी ये 2×2 ऑर्डर का आव्यूह है हमारा। अगर आव्यूह का क्रम दोनों का सेम होगा वही आव्यूह आपस में जुड़ पाएंगे और घट भी पाएंगे। तो पहले आव्यूह का पहले कॉलम में दूसरे आव्यूह का पहला कॉलम हम जोड़ते हैं। तो ए में ए को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 2A। अब माइनस भी है यहाँ, प्लस भी है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वी में वी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2V हो जाएगा, और यहाँ ए में ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। आगे सेकंड पार्ट है, दो आव्यूह दिए हैं और इनको हमें आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए करते हैं। तो पहले आव्यूह का पहला कॉलम, दूसरे आव्यूह का पहला कॉलम आपस में जुड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम जोड़ देंगे 2AB को, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें इसमें जोड़ना है 2AB, तो प्लस 2AB लिखेंगे इसको। अब ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जुड़ेगा माइनस के 2AB, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC। आगे दूसरा कॉलम, पहले आव्यूह का दूसरा कॉलम, तो दूसरे आव्यूह के दूसरे कॉलम में ही जुड़ेगा, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जोड़ेंगे 2VC को। अब नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2AB। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये हमारा होता है a प्लस बी का होल वर्ग का प्रसार। तो इस रूप को हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे ये होता है हमारा a माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस 2ABC हो रहा है तो 2 यानी a माइनस c इसका प्रसार होता है ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस c का होल वर्ग, यहाँ नीचे a माइनस b का होल वर्ग, और यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे थर्ड पार्ट है हमारा, दो आव्यूह दिए हैं, इनको जोड़ना हमें, तो आइए करते हैं इनको भी इसी प्रकार से। तो पहले रो पहले आव्यूह की, पहली रो दूसरे आव्यूह की, प्लस करेंगे, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो जोड़ेंगे इनको तो क्या हो जाएगा 11 आएगा यहाँ, क्योंकि माइनस प्लस हमेशा घट जाएंगे। 8 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, 2 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 5। अब दूसरा कॉलम, 4 में जोड़ेंगे 7 को तो 7×4 हो जाएगा 11, 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 5 ही आएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे ये माइनस के 6 हैं, ये प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 16 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 21, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे फोर पार्ट है हमारा, दो आव्यूह दिए हैं, इनको भी हमें क्या करना है, प्लस करके आंसर निकालना है। तो आइए करते हैं इनको। तो पहले आव्यूह का पहला कॉलम है हमारा, उसको जोड़ना है हमें दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से, देखिए यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर साथ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
अब दूसरे कॉलम को जोड़ेंगे दूसरे कॉलम में, तो यहाँ साइन यहाँ कॉस, तो हम इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही यहाँ कॉस स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हमें देखिए, ध्यान से देखना, हमने एक सरसमिका पढ़ी थी त्रिकोणमिति में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन, तो इसके स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, वन। नीचे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ भी वन रख देंगे, ऐसे यहाँ पर वन आ जाएगा, और इसके स्थान पर भी हम क्या रख देंगे, वन रख देंगे, तो यही क्या होगा हमारा आंसर। तो आगे प्रश्न तीन है हमारा, गुणनफल ज्ञात कीजिए, हमें दो आव्यूह दिए गए हैं और इनकी हमें क्या करनी, आपस में गुना करके गुणनफल ज्ञात करना है, तो आइए गुना करना सीखेंगे। तो गुना में हमें क्या करना होता है कि पहली रो की जो गुना है, जो हमारी रो है, इसकी गुना करनी है हमें पहले स्तंभ से, कॉलम से, यानी फिर इसी रो की गुना करेंगे दूसरे स्तंभ से। तो आइए करते हैं, तो ए की गुना करेंगे ए से, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बी की गुना करेंगे बी से, यहाँ प्लस करके लिखेंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी पहले रो की गुना पहले कॉलम से रो में ही लिखनी है, गुना करके रो में ही लिखनी होता है। अब इसी रो की गुना करेंगे दूसरे कॉलम से, लिखेंगे रो में, तो ए की गुना करेंगे माइनस बी से, तो ये हो जाएगा माइनस के ए बी। अब बी की गुना करेंगे ए से, तो यहाँ प्लस आ जाएगा ए बी। यानी पहली रो की हमने दोनों कॉलम से गुना करके रो में लिख लिया है। इसी प्रकार से दूसरी रो की गुना करेंगे पहले कॉलम से, तो माइनस बी की गुना ए से होगी, तो क्या हो जाएगा, माइनस के ए बी। अब ए की गुना करेंगे बी से, तो प्लस ए बी। अब इसी रो की गुना करेंगे आगे दूसरे कॉलम से, तो माइनस बी की गुना करेंगे माइनस बी से, तो माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यानी बी की घात दो हो जाएगी। अब ए की गुना करेंगे ए से, तो यहाँ आ जाएगा प्लस ए की घात दो, ये तो ऐसा ही आ जाएगा, ए की घात दो प्लस बी की घात दो। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, ए माइनस बी प्लस के और ए माइनस बी माइनस के, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे यहाँ ए माइनस बी माइनस के और ए प्लस बी प्लस के हैं, घटाएंगे जीरो आ जाएगा। ये इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में, इससे ज़्यादा हम हल नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर।